क्वेश्चन नंबर 20, करंट 0.6 एम्पियर की इंडक्टर दे रखा है, एसी सोर्स है, केवल इंडक्टर ही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेस, ओके। तो यहां से देखो जो एक्सएल है ये हो जाएगा वी अपॉन आई, वी की वैल्यू है 24 आरएमएस वैल्यू और आई है 0.6 एम्पियर, ठीक। तो 0.6 एम्पियर है, इसको हटाया ये हो गया 240, 6 चौको 24, 40 आ गया, ये 40 है। और एक्सएल हम जानते हैं एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा और एल की वैल्यू हमें दे रखी है 40 मिली हेनरी यानी 10^-3, तो 40 से ये 40 कैंसिल, तो मतलब वहां का 40 नहीं, ये 40 से 40 कैंसिल, ओमेगा हो जाएगा 10^3, यानी सी हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का।